जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। उसी स्क्रीन में कथा होगी, उसका पूरा आपको दृश्य दिखाई जाएगा। मेरा सामने मेन पांडाल, इतनी दूर है यहाँ से, सभी पब्लिकियाँ बैठी हुई है, लेकिन यहाँ से बहुत दूर है सामने इस जगह। ऐसे भी लोग हैं, हमने आज तक जितनी भी कथाएं सुनाई उसमें वक्ता ऊपर श्रोता नीचे, आज हम पहली बार ऐसी कथा सुना रहे, श्रोता ऊपर वक्ता नीचे। गंदी बातें करवाओ, रातों भर नींद नहीं आती। हेलो, फोनों पर रात भर हेलो आवाज नहीं आ रही है। तो पार्वती जी है, रावण ऊपर नीचे कर रहा, शंकर जी है, पार्वती जी बोली महाराज भूकंप आ गया। शंकर जी बोले भूकंप नहीं आया, हमारा चेला। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। तो फाइनली दोस्तों हम पांडाल तक पहुंच चुके हैं, और ये पांडाल अपने जो क्या है मंडी, बारह की जो मंडी है उसके अंदर पांडाल बनाया गया है यहाँ पर, जो कि रोड से ज्यादा ज्यादा आधा किलोमीटर दूर है। यहाँ पर पांडाल बनाया गया है और आप लोग आवाज सुन ही सकते हो, इतनी पांडाल है यहाँ पर। देखिए पूरी जगह बैनर ही बैनर लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की गई है यहाँ पर, और जल की सुविधा तो इतना बढ़िया है। ये देखिए, ये पूरे जल की व्यवस्था की गई है, पीने योग्य पानी है यहाँ पर। और आप यहाँ पर देखो, अगर गर्मी लगे तो आप ना भी सकते हो। ये देखो पूरा फिल्टर वगैरह, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की है, बिल्कुल नए फिल्टर है दोस्तों यहाँ पर। ये पूरा ये देखिए, आपको अच्छी तरह दिखाते प्लांट। कहाँ चल गया तू? पांडा नदी खाली इसलिए पड़ा है क्योंकि जो अभी उनकी जो रोड जो है वो अंतर से अभी रवाना होने जा रहा है, अभी यहाँ पर पूरा पांडा खाली पड़ा है, पूरा पांडा खाली है। स्क्रीन लगाई गई है, उसी स्क्रीन में कथा होगी, उसका पूरा आपको दृश्य दिखाई जाएगा। काफी बड़ी स्क्रीन दोस्तों, बहुत बड़े लाउड स्क्रीन चलेगा, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, जगह जगह स्क्रीन लगाई गई है ताकि भक्तजनों को कोई भी परेशानी नहीं आए। जितने भी भक्तजन आएंगे यहाँ पर, आप लोग यहाँ से स्टार्ट देखना, वहाँ तक बिल्कुल इतनी ज़्यादा भीड़ रहेगी। ऐसे कम से कम हमें 10 से 12 पांडाल बनाए गए अलग अलग, और उधर की तरफ भी अलग अलग पांडाल है, तो सब जगह आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने बहुत साथ दे रही है सबका। तो हम पहुंच चुके भी मेन पांडाल में, ये देखो वहाँ से लेके बिल्कुल ये जितना भी आप देख रहे हो पूरा पांडाल है, मेन पांडाल है। और जो सामने इस जगह सामने वहाँ गुरुजी बैठेंगे उस जगह, और यहाँ पर भी अलग अलग जगह पे LED लगाई गई बहुत बड़ी बड़ी, और DJ साउंड वगैरह सब कुछ लगाए गए। यहाँ पर गर्मी का टाइम है थोड़ा, तो कूलर की व्यवस्था भी की गई पूरी तरह से, ये देखो। और नीचे पूरा पर्स लगाया गया है इस जगह, और जो आज जो पब्लिक है शाम को 4 बजे खता है, तो पब्लिक जो है सुबह की 11 बजे ही पब्लिक आके बैठ चुकी है यहाँ पर, ये देखो। और जो पांडाल की व्यवस्था है बहुत अच्छी तरह कराई गई है, ऊपर पर्दे के साथ देख सकते हो आप लोग इधर। मेरा सामने मेन पांडाल, इतनी दूर है यहाँ से, सभी पब्लिकियाँ बैठी हुई है, लेकिन यहाँ से बहुत दूर है सामने इस जगह।
पूरी लाइन होती है। हाँ बैठ जाओ कुछ सैक्रीफाइस भी करना पड़े, कुछ समर्पण भी करना पड़े, तो आगे होकर कार्यकर्ता बंधु किसी प्रकार का मन में मलिनता नहीं लाए और पुलिस वालों को ये व्यवस्था समझ दे, पुलिस वाले यहाँ की व्यवस्था कर देंगे, हमारा आयोजन सफल हो जाएगा। सभी कार्यकर्ता बंधु आपसे करबद्ध अनुरोध है, सादर निवेदन है कि आप अपनी व्यवस्था पुलिस वालों को समझा दें, गेरी की व्यवस्था पुलिस वालों को समझा दें, पुलिस वाले अपने स्तर पर व्यवस्था को देख लेंगे। आप आ
राजस्थान के इस बारा जिले में कौन कौन बालाजी का पागल है, पक्के वाले की कच्चे वाले? हमें तो बड़े कंजूस नजर आ रहे हो, नहीं होगा? आज बुरा तो कल अच्छा आएगा, आज बुरा तो कल अच्छा आएगा, वक्त ही तो है यारो, बालाजी ने चाहा तो बदल जाएगा। तुम चाहते हो तुम्हें पड़ोसी बेकार में, अरे उठा दो हाथ ऐसे।
कोटि पंडाल बना दिया। जय हो भाई का भर, जय हो। नीचे मत आ जाइयो, ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। ऊपर ही जय हो, बता। ये पहली बार राजस्थान में देखने को मिला। ऐसे भी लोग हैं, हमने आज तक जितनी भी कथाएं सुनाई उसमें वक्ता ऊपर श्रोता नीचे, आज हम पहली बार ऐसी कथा सुना रहे, श्रोता ऊपर वक्ता नीचे। जय हो राजस्थान वालों, तुमसे कोई नहीं जीता। जय हो, धन्य है। हाँ हाँ, जय हो भाई साहब। ये जिला बड़ा गजब का है यार, क्या बताएं। अभी हम रस्ते में आ रहे थे, जेसीबी से फूल डाल रहे थे। जेसीबी से हमने पूछा यजमान जी से, ये क्या है? बोले स्वागत है। हमारे तो प्राण सूख गए, बीपी हाई हो गए। हमका जेसीबी से स्वागत हो रहा है, भगवान की कृपा है। कहीं ये लोग चरण नहीं पखा रहे, कहीं नाव से चरण न पखा रहे। धन्य है, धन्य है बारा जिला। आज बारा जिले ने कल कलश यात्रा में इतिहास बनाया और आज कथा में भी राजस्थान में झंडा गाड़ दिया राम ने। जन सैलाब, ये भक्ति आस्था का सैलाब, जगह जगह जहां देखो राम के भक्त दिखाई पड़ रहे, और हमारी जो मांग थी वो पूरी होती दिखाई पड़ रही। हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। राम राज्य से भरा हिंदुस्तान। धन्य है आप लोग। तीनों पंडालों में यत्र तत्र जो जहां खड़े हैं, हमारी आवाज जिन तक जा रही, हम नहीं दिख रहे पर तुम हमें देख पा रहे। और संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से जो जो भी कथा को सुन रहे, आप लोगों को भी हम एक चौपाई से प्रणाम करेंगे। वो स्वामी कलिकुल शेखर पावनावतार तुलसीदास जी की चौपाई। सिया राम मैं सब जाने जानी, तुम्हारे जिला में आ ही गए। हमारे बहुत ही प्रिय बागेश्वर धाम के सेवक श्री आनंद गर्ग जी, आपने संकल्प लिया था कि गुरुजी हर हाल में हम अपने जिले वासियों को हनुमान की कथा सुनवाएं। और हनुमान जी की कृपा से इनका संकल्प आज ही पूरा हो गया है। दो दिवसीय चर्चा करने बड़े व्यस्ततम समय में हम निकाल पाए। कल ही हम राजस्थान के सीकर पहुंचे थे, कल वहां दरबार लगाया और रात्रि काल में खाटू से हम बाबा के हमने दर्शन किए। जो हारे के सहारे हैं उनको हमने प्रणाम किया। और सुबह जल्दी उठकर चील गाड़ी से उड़े। चील गाड़ी, हमने हवाई जहाज का नाम रखा है बुंदेली शब्द में चील गाड़ी। चील गाड़ी से उड़े, तब कोटा पहुंचे। हमने सोचा, हमने पूछा कितना दूर है, बोले गुरु जी बस 60-70 किलोमीटर है, एक घंटे में पहुंच गए। 5-4 घंटा आने में लग गया। 12-12:30 बजे चले, 4 बज गए आते आते।
बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए, पूरे रास्ता भर फूल घले। हमने बताया नहीं जेसीबी, अच्छा एक जेसीबी से थोड़ी स्वागत हो रहा था, 8-10 इकट्ठी उनकी सूपा जो होती ना, सूपा ऊपर उसमें फूल भरे, फिर आदमी चढ़े। हमने कहा बताओ क्या तमाशा है। हमने कहा यजमानी से कहा देखो भाई हम तो अपने राम जी को गाड़ी से निकलने वाले नहीं है। बोले क्यों? हमने कहा कहीं जेसीबी का सूपा नीचे आ गया तो पूरी हनुमान कथा यही बिखर जाए, इसलिए हम नहीं निकलने वाले। जजमान जी बोले नहीं नहीं थोड़ा निकल गया। हम कहे हम बिल्कुल हाथ तक ना निकाले, हम तो गाड़ी में ही रहे। बड़ा अद्भुत जिला है बारा जिला, और राजस्थान बड़ा अद्भुत है, मारो प्यारो राजस्थान। आइए हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हुए हनुमान चरित्र पर आज आप सबको केंद्रित, जो गुरु कृपा से हमें प्रसाद मिलेगा हम आपको सुनाएंगे, लेकिन कुछ चौपाइयों पर आधारित करके आज की कथा को शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रामायण में कहते हैं, बिनो सतो संग विवेके न हो। नाच गाना करवा दो रातों भर नींद नहीं आती, अभी गंदी बातें करवाओ रातों भर नींद नहीं आती। हेलो फोनों पर रात भर हेलो आवाज नहीं आ रही है। कह दो बेटा रामायण पढ़ो रामायण, मम्मी हमारा तो सिर दर्द कर रहा है। फटरी के बारे गंदी बातें करने में रातों भर नींद नहीं आती, रामायण पढ़ने में सिर दर्द करने लगता हूं। अरे भैया इसी हम तुमसे कहते हैं, कथा में बैठोगी तो बुद्धि निर्मल हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा, विवेक जाग जाएगा, और विवेक जागते ही राम जी की कृपा हो जाएगी और हनुमान जी प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा फिर भी कुछ लोग यहाँ ऐसे भी बैठे जो बिना मन की बैठे। महाराज मन नहीं लगता तो क्या हमें कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा? ना 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 नो, मिलेगा। ट्रेन पर आप बैठ जाओ और ट्रेन में तुम्हारा मन ना लगे, मन ना लगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ट्रेन नहीं चलेगी। मन लगे या ना चल लगे ट्रेन तो चलेगी और लक्ष्य तक पहुंचेगी। ऐसे ही कथा में तुम आकर केवल बैठ जाओ, मन लगे या ना लगे ये मंजिल तक कथा पहुंचा करके ही मानेगी। इसलिए तो हमारे हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सिया। एक संत कहते थे हसरतों का बोझ लेकर बैठते हैं सत्संग में, हसरतों का बोझ लेकर बैठते हैं सत्संग में और शिकायत करते हैं मन नहीं लगता है। कामनाओं का कांटा लेकर तुम कथा में बैठोगे तो मन नहीं लगेगा, लेकिन राम नाम का माला लेकर अगर तुम कथा में बैठोगे तो मन भी लगेगा और परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी। जिसके हृदय में
कीर्तन में ताली नहीं बजाएगा, अगले जन्म में बाकी शादी नहीं होगी। देखो यहाँ पर छोटा मोटा दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पर माला वगैरह खिलौने वगैरह सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। ये देखो तो आप लोगों को यहाँ बाहर जाके यहाँ पर भंडारा चल रहा है वो भी आप लोगों को बताते हैं।